देखो तो साईं, त्योहार आते ही गांव की रौनक कितनी बढ़ जाती है। और कल का त्योहार तो घर घर में मनाया जाने वाला है, वट पूर्णिमा जो है। भाईसा माँ, परिवार को एक साथ खुशियां मनाने की प्रेरणा देते हैं हमारे त्योहार। लेकिन कुछ लोग इन खुशियों से वंचित रह जाते हैं। हर समय अकेला और उदास रहता है ये। त्योहार में तो उसे और भी बुरा लगता होगा ना, खासकर ऐसा त्योहार जिसमें पति पत्नी के अटूट रिश्ते के लिए पूजा की जाती है, परिवार को अक्षुण रखने के लिए कामना की जाती है, अपने आसपास ऐसा खुशी भरा पारिवारिक माहौल देखकर इसका मन कचोटता होगा ना साईं। बेचारे के नसीब में तो श्रद्धा और सबूरी भाईजमा, हम अपने मन में कितना भी गुस्सा या नाराजगी पाल के चाहे सबसे कितनी भी दूरियां बना लें, ये जरूरी तो नहीं कि हालात हमेशा एक जैसे ही रहेंगे। जिनके नाम मात्र से ही समुद्र में पत्थर तैरने लगते हैं, सेतु बन जाता है, उनकी मर्जी से इस जीवन रूपी समुद्र की दूरियां भी मिट सकती हैं, अधूरा जीवन परिपूर्ण हो सकता है। बस कुलकर्णी सरकार, बस अब मैं सब कुछ अपने तरीके से सुलझाऊंगा। तो जाओ यहां से, मेरा समय क्यों नष्ट कर रहे हो? और मैं भी देखना चाहता हूं मेरी सहायता के बिना तुम क्या कर पाते हो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शीघ्र ही तुम्हारा ये अहंकार टूटेगा और तुम्हें मेरी सहायता लेनी ही पड़ेगी। हरिओम। चलो गौतम। सरकार, हम तो सरकार, एक शब्द नहीं। तुम दोनों के कारण ये दो कौड़ी का आदमी मुझे इतना कुछ सुना के गया। गधे भी काम आते हैं, पर तुम दोनों उनसे भी गए गुजरे निकले। अब भी इसी क्षण मैं तुम दोनों को नौकरी से निकालता हूँ। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकल जाओ शिरडी से। दोबारा मुझे तुम्हारी सूरत दिखनी नहीं चाहिए। मेरे आदेश की अवहेलना करने का परिणाम जानते हो ना? हाँ, और शिरडी छोड़ने के लिए तुम्हारे पास आज रात तक का समय है, समझे? हरिओम। 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 Thank you.
प्रथमेश, प्रणाम मौसी। खुश रहो। कब आए? अभी अभी मौसी। और मैं इसे घर से यहां ले आया। अच्छा किया साईं, ये प्रथमेश है, मेरी चचेरी बहन का बेटा। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। आओ प्रथमेश, अंदर चल के बातें करते हैं। प्रथमेश, साई ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, मतलब तुम पार लग गए। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साई जिस पर मेहरबान हुआ, देर सवेर उसका कल्याण होना निश्चित है। राघव आ गया तू? चल हाथ मुंह धो ले, खाना तैयार हो रहा है। राघव, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। कैसा लड़का है ये, जब देखो मुंह लटकाए रहता है, कोई कमी नहीं है इसे, फिर भी कभी खुश नहीं नजर आता है ये। पता है साईं, प्रथमेश बहुत ही काबिल और होनहार लड़का है, हम सब की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इससे। बचपन से बहुत होशियार है, तब से हम लोगों ने इससे उम्मीदें लगा ली हैं कि एक ना एक दिन ये हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। क्या हुआ प्रथमेश, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? कोई बात नहीं, जब मन करे तब बता देना। बस एक बात याद रखना, अगर मन में वेदना है तो उसे वक्त रहते प्रकट कर देना चाहिए। वेदना अगर मन में दबी रही तो उसे जहर बनते देर नहीं लगती। नहीं साईं, ऐसी कोई बात नहीं।
एकदम संभल कर। सुनो, इस गांव में लगभग हर कोई उस फकीर का चमचा है। किसी को शक ना होने पाए कि हम उस फकीर का पीछा कर रहे हैं। ठीक समझ गए? तुम लोग आगे चलो, हम लोग तुम्हारे बिल्कुल पीछे पीछे होंगे। और याद रखना, तुम लोगों को सिर्फ संकेत करना है, पता है ना कब? आगे बढ़ो। भिक्षाम देही प्रणाम साई। राम जी भला करें। माई, आज मुझे कुछ और चाहिए। क्या साई? वट पूजा का धागा चाहिए, मिलेगा? जरूर मिलेगा साई, अभी लाई। लीजिए साई। जा रहा है वो? उस घर से धागा लेने के बाद उसने किसी से भिक्षा भी नहीं मांगी है। वो ना हो किसी खास जगह जा रहा होगा, जहां इसने पैसे छुपा के रखे होंगे। मुझे लगता है हम बहुत जल्द सबूत के करीब पहुंचने वाले हैं। हम इसका पीछा ऐसे ही जारी रखेंगे। आ जाओ। मुझे लगता है कि हम उस जगह के पास पहुंच चुके हैं जहां उसने पैसे छुपाए हैं। चलो, क्या हुआ, रुक क्यों गए? अभी हमने तय किया था कि हम उसका लगातार पीछा करेंगे। मुझे पता हमने क्या तय किया था। एक बार मैंने कह दिया आगे नहीं जाना तो नहीं जाना है। उधर कुछ नहीं है, चलो वापस। लेकिन ये फकीर बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है, और कुछ नहीं, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। और वैसे भी उस पर नजर रखने के लिए हमारे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। कुछ होगा तो पता चल जाएगा हमें।
कब तक सच्चाई से भागोगे चक्रनारायण? आज नहीं तो कल सच का सामना करना ही है। क्या बात है प्रथमेश, तुम खा नहीं रहे हो? भूख नहीं है दादा। पता नहीं पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई चिंता सता रही है। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं। देखो सच सच बताना प्रथमेश, घर में सब ठीक तो है ना? मौसा जी के साथ तुम्हारी बनती है या नहीं? क्या अभी भी झगड़ते रहते हो? किसी काम के नहीं हो तुम। एक पैसा कमाने की अकल नहीं, ना कुछ सीखा ना कुछ हासिल किया जिंदगी में। तुम्हारी उम्र में लड़के पिता का हाथ बटाते हैं, लेकिन तुम जो काम करने जाते हो उसमें नुकसान करा के ही आते हो। खाना हो गया दादा, मैं बाहर टहल के आता हूं। यहाँ खड़े होकर सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। इस घर से तुम्हें कभी भिक्षा नहीं मिलेगी। मैं कुछ मांगने नहीं, तुम्हें देने आया। ये लो कुतुब भाई, तुम्हारे काम आएगा। कल वट पूर्णिमा है ना, नहीं गोदू भाई ऐसी गलती मत करना। यह महज धागा नहीं है, रिश्ता है। नहीं मानती मैं उस रिश्ते को और ना ही इस धागे को। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी बकवास। अच्छा बिल्कुल नहीं मानती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम जाते हो या नहीं? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन क्या वो यादें इतनी आसानी से चली जाएंगी? नहीं ना, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, इन्हें फेंका नहीं निभाया जाता है। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो और सब मुझ पर क्यों उंगली उठाते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। रिश्ते तब निभाए जाते हैं जब पति पत्नी में एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने की काबिलियत हो। जरूरत जायज भी तो होनी चाहिए। तुम कौन होते हो तय करने वाले कि यह जायज है और क्या नहीं? गांव वाले तुम्हें भगवान मानते होगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अधिकार मिल गया मेरे जीवन में दखल देने का। और सुन लो, कोई जरूरत गलत नहीं थी। मैंने सिर्फ वही मांगा जो मेरा हक था और वो नहीं दे पाए मुझे। दोष सिर्फ उनका था, पति के रूप में असफल रहे वो। गोदू भाई, इसलिए आपने गृहस्थी छोड़ दी? सफलता असफलता तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी इंसान के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे हर बार सफलता ही हाथ लगे। सबका अपना दृष्टिकोण होता है, यह तुम्हारा दृष्टिकोण है तो यही सही। लेकिन क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो
कि कभी तुमने किसी अच्छी चीज की सराहना की और उन सब का अंततः परिणाम क्या निकला? क्या सब कुछ छोड़ आने के बाद कुछ भी अच्छा हुआ? क्या तुमने कभी अपने बेटे की आंखों में देखा है? क्या वो खुश है? और क्या वाकई में तुम खुश हो? क्यों बार बार उसी बात को छेड़ते रहते हो? जिन बातों को मैं भूलना चाहती हूँ तुम उसी बातों को याद दिला रहे हो। क्यों मेरे जख्म को कुरेद रहे हो? तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्या हुआ बेटी? चले जाओ यहाँ से। मैं तुझे आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ फकीर, मेरे घर की चौखट पे आना बंद कर दे, मेरी बेटी को परेशान करना बंद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक चेतावनी तो राम जी भी आपको दे रहे हैं गंगाराम जी, अपनी बेटी को समझाइए, क्योंकि आप उसे जितना सही ढंग से समझा पाएंगे शायद कोई और नहीं समझा पाएगा। और आपके जितना जी में आए उतना झूठ आप मुझसे बोल सकते हैं, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि बेटी की चिंता आपको रात में जगाए रखती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पारिवारिक मामले में बोलने की? और क्या कहना है तेरा कि मैं एक बुरा पिता हूं? मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के लिए अच्छा क्या है? उससे ज्यादा चिंता है मुझे उसकी, उससे ज्यादा समझाया मैंने उसे। अब अगर वो नहीं जाना चाहती है तो तुझे क्या पड़ी है? मैं तो केवल एक शादीशुदा स्त्री को ऐसी गलती करने से रोकना चाहता हूँ जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं एक जवान लड़के को थोड़ी उम्मीद देना चाहता हूँ, एक पिता को चैन की नींद सोने में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मैं बिना आपकी मदद के नहीं कर सकता। लड़के को थोड़ी उम्मीद देना चाहता हूँ, एक पिता को चैन की नींद सोने में मदद करना चाहता हूँ, लेकिन ये सब मैं बिना आपकी मदद के नहीं कर सकता। गंगाराम जी, बच्चों की जिद के आगे झुकना बड़ों को तब तक ही शोभा देता है जब तक वो जिद बच्चों का नुकसान ना करें। जब बच्चों का नुकसान होने लगे तो बड़ों को बड़प्पन दिखाना ही पड़ता है। गंगाराम जी, अगर कल गोदूबाई वट पूजा करेगी तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो अभी भी अपने पति, अपनी शादी के बारे में सोच रही है। इन दिनों आप काफी चिंतित हैं, काफी परेशान हैं, आपको भी तो थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए। पागलपन है ये, तुम जैसे फटीचरों के गले नहीं लगता मैं। औकात क्या तेरी जो तूने खुद को मेरे बराबर समझ लिया? अशुद्ध कर दिया मुझे, गंगा जल से नहाना पड़ेगा। अल्लाह मालिक। Sai Om, Sai Om, Sai Om.
साई प्रणाम साई राम जी भला कर एक जरूरी काम के लिए नासिक जाना पड़ रहा है वहां पंचवटी में कुछ काम है मुझे जाने से पहले सोचा आपका आशीर्वाद लेते जाऊं साई साई बोलो विवेक जो कहना है निसंकोच कहो आपको कुछ देना था क्या क्या है आपकी तस्वीर मैंने बनाई है साई ये लीजिए सुंदर चित्र बनाया है तुमने विवेक तुम तो बहुत अच्छे चित्रकार हो था? पंचवटी में काम बताया था ना तुमने जी साई रुको ये उदी और ये चित्र ले लो पंचवटी में तुम्हें एक आदमी मिलेगा तुमसे पता पूछेगा ये तस्वीर और उदी उसे दे देना अगर पता नहीं पूछा तो जरूर पूछेगा उद्धव राम जी उसे तुम्हारे तक जरूर पहुंचा देंगे जैसा आप कहें साई चलता हूं क्या हुआ विवेक साई वो तस्वीर मैंने आपके लिए बनाई थी और आपने किसी और के लिए भेज दी मन छोटा मत करो वो तस्वीर जहां जानी थी वहीं गई है आज रात द्वारका माई आ जाना सब समझ जाओगे आप मुझे कमजोर तो नहीं कर रहे हैं फिर मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही क्यों हो रहा है ऐसा मैं तो सिर्फ भोले भाले गांव वालों को एक फकीर से बचाने की कोशिश कर रहा हूं ये लड़ाई सिर्फ साईं के खिलाफ नहीं है बल्कि खुद को साबित करने की भी लड़ाई है सबको यह साबित करना है कि मैं सही था यह सच की लड़ाई है मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है इसमें मेरी मदद कीजिए भगवान कुछ तो संकेत दीजिए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए चक्रनारायण चक्रनारायण कुछ मिला जिन गुप्तचरों को साईं पर नजर रखने के लिए कहा था उनसे पूछताछ की है लेकिन किसी से
कुछ नहीं पता चला सिवाय इसके कि एक औरत से धागा लिया और दूसरी औरत को दे दिया। निराश ना होगा तुम, मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों, लेकिन मिलेगा जरूर। बस हमें अपनी कोशिश जारी रखनी है। ये क्या कर रहे हो भाई? ये नीम के पत्तों से पोछा क्यों मार रहे हो? साई कहते हैं नीम के पानी में औषधि तत्व होते हैं और इससे बीमारियां भी दूर होती हैं। राम जी तुम्हें सद्बुद्धि दे। खुल जाए यार, खुल ही नहीं रहा। खुल। क्या हुआ बच्चों? साई, वो इस घर में जो रघु रहता है ना, वो बड़ा बदमाश है। मैंने उसे अपना गिल्ली डंडा ले जाते देखा, पर वो साफ मुकर रहा है। आज इसके घर में कोई नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि इसके घर जाकर ही अपना गिल्ली डंडा वापस ले आएंगे। हाँ साई। बाला, तुम जो करने की सोच रहे हो वो गलत है। मुझे समझ में आ गया कि अब क्या करना है। सीधी सी बात है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ। सलीम, माणिक, पाटिल, श्रीकांत, भीवा, ये साईं के बड़े भक्तों में हैं। हाँ हैं, पर करना क्या है? अगर हम साईं के माध्यम से सच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम उसके इन चेलों के सहारे सच तक पहुंचेंगे। कल वट पूर्णिमा है, घर की सब औरतें घर से बाहर जाएंगी। हमें एक के घर की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है कि इन्हीं घर में से किसी एक घर में हमें खजाना मिल जाए। हाँ, ये योजना काम करेगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि साई ने ये धन अपने किसी न किसी भक्त के घर पर छुपाया होगा। चलो देर से ही सही, तुमने मेरी बात मानी तो। बिना सरकारी आदेश के हम घरों की तलाशी कैसे लेंगे? उस आदमी को नीम के पानी से मंदिर की सफाई करते हुए देखकर मुझे एक योजना सूझी। हम कैसे गलत है साई? चोरी तो इस रघु ने की है, हम तो सिर्फ सच सामने ला रहे हैं। सच साबित करने की जिद समझ आती है, लेकिन जिद पूरी करने के लिए गलत रास्ता अपनाना सही नहीं है। अगर तुम सच्चाई बाहर लाना चाहते हो तो उसके आई बाबा को बताओ, वो घर की जांच करेंगे और अगर हुआ तो तुम्हारा गिल्ली डंडा तुम्हें वापस कर देंगे। लेकिन अगर किसी गलत को सही करने के लिए तुम बिना पूछे किसी के घर में घुसो तो तुम भी गलत हो जाओगे। क्या तुम लोग ऐसा चाहते हो? नहीं ना?
हम समझ गए साईं, हमें माफ कर दीजिए। जितनी आसानी से ये बात तुम बच्चों के समझ में आ गई, काश सबकी समझ में आ जाती। पंचवटी में तो काम निपट गया, मेरी वापसी का भी समय हो रहा है और अब तक किसी ने मुझसे पता नहीं पूछा कहाँ है वो जिसे तस्वीर और उदी देनी है। भाव एक चाय देना। देर तक इंतजार किया, कोई नहीं आया पता पूछने, अब निकलना चाहिए। ओ भाई साहब, ये पता बता सकते हैं आप? इस पते का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ है। ये आपके लिए, शिरडी के साई बाबा ने दिए। और भी कुछ दिया है, ये भी आपके लिए। उन्होंने मुझसे कहा था जो भी मुझसे पता पूछेगा ये मैं उन्हें दे दूं। क्या है इसमें? आप ही देख लीजिए। नाराजगी है मुझसे वो तो अब दूर हो गई ना? आप रो क्यों रहे हैं? साई ने मुझसे बात की, इस तस्वीर में साई की मुझे जीवंत छवि दिखी। साई ने मुझसे पूछा, गोपाल तुम्हारी नाराजगी दूर हुई ना? नाराज की? मैं भी साईं का भक्त हूं, थाने में मेरा घर है। मेरी तरह मेरे दोस्त भी साईं को बहुत मानते हैं। कुछ महीने पहले हम सब ने शिरडी जाने की योजना बनाई। हालात कुछ ऐसे हुए कि मेरे दोस्त तो दर्शन करके आ गए, लेकिन कामकाज की वजह से मैं नहीं जा सका। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा और मैं ये सोचने लगा कि शायद साईं ही नहीं चाहते कि मैं उनसे मिलने के लिए आऊं, और मैं साईं से नाराज हो गया। मन ही मन कहने लगा कि साईं, मैं तब तक आपसे मिलने शिरडी नहीं आऊंगा जब तक आप खुद मुझसे मिलने नहीं आते। और देखो ना, इस तस्वीर के सहारे साईं खुद मुझसे मिलने के लिए आ गए।
अब तो मेरा शिरडी जाना बनता है। मैं आज ही साईं के दर्शन के लिए शिरडी जाऊंगा। मैं बिना वजह ही आपसे रूठ गया था, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए और मेरी जिद पूरी की। गोपाल, हर बार चीजें हमारे मन के मुताबिक नहीं हो पाती। अगर मन का हो तो अच्छा, अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो मालिक के मन का होता है। उद्धव, इस आदमी का साईं से अभी मिलने का क्या उद्देश्य हो सकता है? वो पहले क्यों नहीं मिल पाया? साईं, एक बात पूछूं, वो कौन है जिसने ये तस्वीर बनाई? बहुत ही उम्दा कलाकार है। गोपाल, यह है विवेक, इसी ने यह तस्वीर बनाई है। विवेक, ये तस्वीर तुमने बनाई? हाँ, मेरी एक दुकान है जिसमें दूसरे सामानों के अलावा रंग, तूलिका, तेल चित्र वगैरह में बेचता हूँ, जिसके कारण बड़े बड़े चित्रकारों के साथ में मेरी पहचान है। बंबई में कुछ सालों पहले एक महाविद्यालय खुला है जिसमें चित्रकारी सिखाई जाती है, जे स्कूल, उसमें भी मेरी पहचान है। यदि तुम कहो तो मैं उसमें तुम्हारा दाखिला करवा सकता हूँ। वैसे तुम अच्छे चित्रकार तो हो ही, वहां पर चित्रकारी सीखोगे तो नामचीन चित्रकार बन सकते हो। मिल गया तुम्हारे सवाल का जवाब। गोपाल जी के अभी यहाँ आने का उद्देश्य पता चला? विवेक, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? नहीं साईं। तेरी महिमा मेरे साईं, राम जी भला कर, कौन जान पाया। ओम साईं ओम। गोदू भाई, हम वट पूजा के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ चलो। सब कुछ जानते हुए भी जले पे नमक छिड़कने आ जाती हो? जाओ यहाँ से। इतनी दुष्टता भरे मन से क्या पूजा खाक करोगी? माफ कीजिए, चलो। राघव, क्या हुआ तुझे? तू हमेशा ऐसा मुंह लटकाए क्यों बैठा रहता है? तुझे ऐसे देखकर बाहर वाले तो यही सोचेंगे ना कि तू यहाँ तकलीफ में जी रहा है। और कल तो वो साई भी सुनाकर चला गया। मैंने कोई शिकायत की क्या आपसे? आई आप तो खुश हो ना? बस रुक, कहना क्या चाहता है तू? मुझे तेरी खुशी की परवाह नहीं है, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? साफ साफ कह क्यों नहीं देता कि सारी गलती मेरी ही थी? गलती पता नहीं किसकी आई, लेकिन सजा मैं भुगत रहा हूँ। आप बड़ों के झगड़ों में मेरा परिवार मुझसे छीन गया। जी, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए यहाँ खंडर में आके छुपना पड़ रहा है, क्योंकि गांव वालों को पता चला कि सरकार ने हमें नौकरी से निकाल दिया है तो गांव वाले हम पर हंसेंगे। बंता जी, हमारा हाल तो धोबी के उस कुत्ते के जैसा हो गया, जो ना घर का है ना घाट का।
सब समझ गए ना? ठीक है, वे एक डब्बा उठाओ और उस घर में जाओ जहां की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी है। और सुनो, जैसा कहा है वैसा ही करना, और कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ लगे तो तुरंत मुझे खबर करो। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता लगा दे। फंसने वाले हो साईं, बहुत बुरी तरह फंसने वाले हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बेटी। कुछ मत कहिए बाबा, अब मैं दरवाजा अंदर से बंद करने जा रही हूँ और दरवाजा नहीं खोलूंगी, अपने कमरे में ही रहूंगी। गांव की किसी भी औरत का मुंह मुझे नहीं देखना है, वो सब जानबूझकर यहाँ आती है, वट पूर्णिमा पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे बुलाती है। राघव से भी नहीं मिलूंगी, वो भी मुझे गलत समझता है, और आप भी मुझे ही दोषी महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे जीवन का वो अध्याय समाप्त हो चुका है, इसलिए पूजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जाइए यहाँ से।
प्रथमेश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें पसंद नहीं करते हैं? देखो, हर पिता अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, उन्हें तुम्हारी फिक्र है, इसलिए वो तुम्हें बोलते हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो वो मुझे नीचा नहीं दिखाते, और एक दिन की बात हो तो समझ में भी आता है। हर रोज का एक ही किस्सा है, रोज रोज ताने नहीं मारे जाते हैं। बाबा को तो बस एक कामयाब बेटा चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो बेटा बन पाऊंगा। देखो, सुनिए जी, इस घर में खजाना मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि साईं के सबसे करीब यही लोग हैं। कहिए। ब्रिटिश सरकार के आरोग्य विभाग की तरफ से आए, शिरडी में प्लेग का टीकाकरण की शुरुआत करनी है, इसलिए शिरडी के हर घर को निर्जंतुकरण करने के लिए घर घर में दवा डालनी। लेकिन इस संदर्भ में हमें तो कोई सूचना नहीं मिली है। जी जी, वो आसपास के कुछ गांवों में बहुत तेजी से प्लेग फैल रहा है, शायद इसी वजह से विभाग की नजर नहीं गई होगी आपकी सूचना के विषय पर, और वैसे भी अभी औपचारिकता का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश मिला है, और ये आपकी सुरक्षा के लिए तो है। ठीक है, आइए। और एक बात, हम अभी कीटाणुनाशक का छिड़काव कर रहे हैं, इसलिए अपने नाक मुंह को ढक लीजिएगा और थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आइएगा। आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लोगों का बाहर रहना उचित है, ठीक है? से बढ़कर कोई खजाना नहीं है। अपने काम से काम नहीं रखना है, जिसे देखो मुझे ही उपदेश देने लगता है। ये लोग मुझे अपने हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? आखिरी कोशिश करने आया हूं। माना कि तुम अपने पति से नाराज हो, अलग रह रही हो, लेकिन रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ है ना? मेरी तरफ से तो कब का खत्म हो चुका है, और मुझे मेरे अतीत की कोई याद नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा, तुम्हारा बेटा।
तुमने कभी सोचा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? सिर्फ उस लड़के के लिए जो अकेला है, उदास है, टूट जाने की कगार पे है। यही तो मैं तुम्हें कल भी समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम कहती रहती हो कि तुम्हें कोई नहीं समझता, लेकिन क्या तुमने राघव को समझने की कोशिश की है? कभी उसकी आंखों में देखा है? माँ बाप के अलग हो जाने पर बच्चों पे क्या बीतती है वो सिर्फ राघव ही समझ सकता है। मैं जानता हूं तुम वापस नहीं जाना चाहती हो, और ना इसके लिए मैं तुम पे कभी दबाव बनाऊंगा, लेकिन पूजा कर लेने से कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। अगर तुम पूजा करोगी तो राघव को एक उम्मीद मिलेगी कि उसका परिवार पूरी तरह से टूटा नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा। और एक बात, अगर तुम उन औरतों के साथ वट पूर्णिमा की पूजा में शामिल होती हो, उनके साथ मिलकर त्योहार मनाती हो, तो राघव भी उस पूजा का हिस्सा बनेगा, जैसे उन औरतों के बच्चे आज हो रही पूजा का हिस्सा बने हैं। वो एक बार फिर से समाज के साथ जुड़ेगा, वो इस गांव का हिस्सा है ये महसूस करेगा। वो पहले ही वो उस परिवार को खो चुका है जिसे वो जानता था। कम से कम उसे एक बार ये तो महसूस कराने की कोशिश करो कि वो भी इसी समाज का हिस्सा है, वो और बच्चों से अलग नहीं, वो भी उनके जैसा ही है। अपने बेटे के लिए इस पूजा में शामिल हो जाओ गोदुबाई। कब तक झूठे दिलासे के सहारे जिएगा वो? क्या उसके लिए ये बेहतर नहीं कि वो हकीकत की दुनिया में जिए, ना कि भ्रम की दुनिया में? क्या तुम हकीकत की दुनिया में जी रही हो गोदुबाई? अपने पति का घर छोड़ दिया, लेकिन उसके नाम का सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा, उसका दिया हुआ मंगलसूत्र नहीं उतारा। इस तरह के त्योहार समाज को एक साथ बांधे रखते हैं। जिस तरह ये मंगलसूत्र और सिंदूर प्यार की लौ को जिंदा रखते हैं, चाहे उसे कोई कितना भी बुझा दे, प्यार तो था ना गोदुबाई, चाहे भले बहुत सी चीजों की कमी हो, पर प्यार तो था। उसकी कोई भी कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। क्या हो रहा है ये? क्या वो फकीर सच में यहां था? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जरूर मुझे कुछ वहम हुआ होगा। अगर ये सब मेरे दिमाग में ही था तो ऐसे विचार मुझे क्यों आ रहे हैं? गया काम, आप अंदर जा सकते हैं। शुक्रिया। यहां भी कुछ नहीं मिला। Thank you.
बाबा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि रिवाज है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने गृहस्थी में वापस जा रही हूँ, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया, ओम साई ओम साई ओम साई ओम। क्या ये करना जरूरी है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले उस कुलकर्णी के कारण हमारा बहुत समय बर्बाद हो चुका है गौतम, हमें हर तरह से कोशिश करनी होगी। उस फकीर की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरों की मदद का दिखावा करना, हमें उसको इसी तरह से फंसाना होगा, उसकी कमजोरी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करके। लेकिन तुम करने क्या जा रहे हो? बस तुम देखते जाओ गौतम। यहां क्यों बैठे हो? मैं बस अकेला रहना चाहता हूं। वैसे तो तुम अकेले ही रहते हो, लेकिन आज तुम्हें किसी और के साथ रहना चाहिए। Oh,
जी ने आज तुम्हें छोटी सी उम्मीद दी है। श्रद्धा और सबूरी रखो, बहुत जल्द खुशियां भी मिल जाएंगी। बाबा, बाबा, बहुत गरीब हूं, भिक्षा में कुछ दे दो। पैसे नहीं चाहिए, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, आओ। बैठो। सुना था कि आपके चौखट से कोई खाली नहीं जाता, अच्छा देख भी लिया। बाबा, आप रोज इतने लोगों की मदद करते हैं, कैसे करते हैं? इसमें कोई मुश्किल नहीं है, राम जी का आशीर्वाद है, इसलिए सबकी मदद करता हूं। अच्छा बाबा, सुना है कि आप गांव में बहुत सारे लोगों को पैसा बांटते हैं, कहां से लाते हैं आप इतना पैसा? कोई खजाना मिला है क्या आपको? आप तो भिक्षा में अन्न और फल के अलावा और कुछ लेते नहीं। ना तो ये कोई खजाना है जिसे छुपा के रखा जाए, और ना ही ऐसा कुछ सामान है जिसे अपने साथ लेकर चला जाए। राम जी का आशीर्वाद तो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है, जब जिस रूप में चाहे वो प्रकट हो जाता है। इस फकीर को बातों में फंसाना मुश्किल है, ऐसा शातिर आदमी अपने पैसे का स्रोत कभी नहीं बताएगा। लेकिन कोई बात नहीं, शाम तक इसके भक्तों के घर से कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा, फिर देखता हूं कैसे बचता है ये।
यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार, क्या सोच के आए हो यहाँ? क्या उस समय मैं तुमसे ठिठोली कर रहा था? कहा था ना मैंने, मुझे तुम्हारी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए। बोल रहा हूँ क्या? क्या ही रहते हैं? बको सरकार, पहली खबर ये है कि चक्र नारायण गांव में अवैध काम करवा रहा है। हरिओम, अंततः तुम दोनों मेरे कुछ तो काम आए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हांक रहा था ना वो, अपनी ईमानदारी की तुतारी बजा रहा था। उस चक्र नारायण का चक्र घुमा न डाला तो मेरा नाम भी कुलकर्णी सरकार नहीं। और दूसरी खबर, रोको भाई रोको। से ही क्यों, चलकर सीडी में साईं से मिल लेते हैं। वैसे भी अहमदनगर दो दिन के बाद ही पहुंचना है। मन तो मेरा भी बहुत है पवार, परंतु पिछली बार जब मैं वहां था साईं, आप एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। नाना, राम जी जो चाहेंगे वही होगा, फिर चिंता किस बात की? मैं अब शिरडी तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं साईं के ऊपर मंडरा रहे खतरे को निष्फल नहीं कर देता। तब से अब तक साईं के लिए कुछ कर नहीं पाया हूं और शिरडी जाकर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता। साईं, मेरा यहीं से प्रणाम स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जल्दी से अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके आपके पास आ सकूं। चलो।
गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी साहब, बैल तो अपने आप ही रुक गए। क्या मुसीबत है ये, बैल तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। रुको, मारो मत बैलों को। लेकिन ये बैल आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कुछ तो कारण है बैलों के यहां रुकने का। अब तक तो अच्छी खासी चल रही थी, सीढ़ी के सरहद पर आकर अचानक रुक गई, विचित्र है। ये साई का कोई संकेत तो नहीं? कहीं साई मुझे शिरडी तो नहीं बुलाना चाहते? सुनो, गाड़ी शिरडी की तरफ घुमा लो। साहब मैं तो घुमा लूं, लेकिन बैल तो टेस्ट से मस्त नहीं हो रहे हैं। एक बार कोशिश करो। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। और ये कैसे हो गया? आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं थे बैल, और पीछे मुड़कर जाने के लिए एकदम तैयार हो गए। क्योंकि उस तरफ शिरडी जो है, मेरे साईं की शिरडी। हमने सब कुछ करके देख लिया, तिकड़म भी लगा लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मेरी तो उम्मीद भी दम तोड़ रही। नहीं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा एक नहीं ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर देता है। मेरा घर भी तो काला पैसा और उसे कमाने वाले मेरे दुश्मन है बस। और ऐसे लोगों को मैं सजा दिलाकर रहता हूं, और इस पाखंडी फकीर को मैं जरूर सजा दिलवाऊंगा। अरे ओ जो तुम दिला नहीं पाओगे बिना मेरी मदद लिए। साई, मुझे माफ कर दीजिए साई, मैं आपसे बिना मिले जा रहा था। मैंने सोचा प्रतिज्ञा टूट जाएगी। आपसे क्या छुपा है साई? जो बोलना सोच समझ के बोलना।
इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। आप हैं कौन जो मैं आपसे डरूं? और ये जो मुखियागिरी है, जाइए अपने गांव में दिखाइए। यहां नहीं, ये आपका गांव नहीं है, ये पुलिस चौकी है। अरे ओम, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हमें इससे बात कीजिए। अभी तक तो कर रहा हूं, किंतु तुम भूल गए हो। कहा था ना, शिरडी में मेरे मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं फड़फड़ाता है। तो तुमने ये सोचा भी कैसे? मेरे आधे गांव की अवैध रूप से तलाशी लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। हो गई ना बोलती बंद। यदि मैं चाहूं तो तुम्हारे वरिष्ठ अधिकारी को सब बता सकता हूं। इससे तुम्हारी नौकरी जाएगी या नहीं ये तो नहीं मैं बता सकता हूं, पर ये जो तुम ईमानदारी का ताज सर पे लेकर घूम रहे हो ना, वो जरूर छीन लिया जाएगा। सब तुम्हें झूठा और बेईमान अधिकारी कहेंगे। यदि तुम चाहो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये मेहरबानी क्यों? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे उस फकीर से चिढ़ है। तुमसे कई गुना अधिक मैं उस फकीर से घृणा करता हूं। मैं तुम्हें उसे दंडित करते हुए देखना चाहता हूं। लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं। किसने कहा? आप जानते हैं उसने पैसा कहां छुपा के रखा है? क्या यही एकमात्र विकल्प है जिससे हम उसे पकड़ सकते हैं? दूसरा कुछ भी नहीं। तरीके तो दो हैं। या तो वो अवैध धना में उसके पास से मिल जाए, या फिर ऐसा कोई जो उसके खिलाफ गवाही दे सके कि वो अपने चेड़ों में बहुत सारा पैसा बांटता फिर रहा है। लेकिन इस गांव में कोई भी साईं के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जानता हूं मैं। ऐसे ही गांव का मुखिया नहीं हूं मैं। आप जानते हैं कौन है वो? बताइए ना कौन है वो। मुझे मुझे ले चलिए उसके पास। बड़े व्याकुल हुए जा रहे हो तुम। और मैं अभी भी उस अपमान की अग्नि में झुलस रहा हूं जो तुमने किया था मेरे घर में आकर। अब मैं तुम्हारी नौकरी ही नहीं, तुम्हारी साख भी बचाने में तुम्हें मदद कर रहा हूं। उस फकीर के विरुद्ध साक्ष्य दे रहा हूं। मुझे लगता है इस सब से पहले तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए।
कहा था ना, मुझसे ऊंची आवाज में बात करना भारी पड़ेगा, किंतु तुमने माफी मांग ली। मुद्दे पे आते हैं। हाँ, सच में मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो साई के विरुद्ध गवाही देगा, लेकिन हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कौन है वो? अगर कहीं खजाना है तो इन लोगों को जरूर उसके बारे में पता होगा। अगर हम इन पर निगाह रखें, इनकी जासूसी करें, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो खजाना है कहाँ। तब शायद हमें हमारी नौकरी वापस मिल जाए। हाँ सत्ता जी, चलिए शांत से। असफलता शुरू में सबको मिलती है, लेकिन जो असफलता से हार ना माने, ईमानदारी से कोशिश करता रहे, एक दिन परिश्रम का, मेहनत का फल उसे मिलता ही है। जिनके नसीब में कांटे हो उसे फल नहीं मिलते मौसी, मैंने तो अब उम्मीद ही छोड़ दी। फिलहाल तुम कौन सा व्यवसाय करने की सोच रहे हो प्रथम? मुझे व्यवसाय का अनुभव है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूँ। है एक व्यवसाय, सागवान की लकड़ी के आयात निर्यात का। मैंने सारी तैयारी कर रखी है और इस व्यवसाय के विषय में मैंने बहुत अध्ययन भी किया है और लोगों से बात भी कर रखी है, लेकिन सरकारी अनुमति और निवेश के पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। प्रथमेश, तुम अपनी समस्या साई को क्यों नहीं बताते? हो सकता है वो कुछ मदद करे। लेकिन मौसी, साई हमारी इस मामले में कैसे मदद कर सकते हैं? वो तो संत आदमी है और ये तो व्यापार की बातें हैं। वो क्या करेगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ उससे बात करके तुम बेहतर महसूस करोगे। यह थी दूसरी खबर सरकार। हरिओम, वही हमारा शस्त्र है जिसे हमें साधना है, उसे आवश्यकता है, इसीलिए वो उस फकीर के पास जाएगा क्योंकि वो बाइजा का रिश्तेदार है। फिर तो वो फकीर उसे निराश नहीं करेगा। वो लड़का हमारे इसलिए काम आ सकता है क्योंकि वो अभी अभी उस फकीर से मिला है, उसके ऊपर उस फकीर का प्रभाव मां के बराबर है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है नाना, तुमने वही किया जो तुम्हें सही लगा, और फिर शायद मैं भी तुम्हें यहां नहीं बुलाता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। काम बहुत जरूरी है,
और जल्द से जल्द पूरा करना है, वरना कुछ गलत हो सकता है। सबकी मदद करने वाले को मदद की जरूरत है। लगता है वही हुआ जिसका मुझे डर था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साईं, हमारे रहते आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा लेकिन आप पर आंच नहीं आने दूंगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साईयों, मैंने तुम्हें आवश्यक वो सारी जानकारी दे दी है। आशा है कि तुम समझ गए होंगे आगे क्या करना है। हरिओम। ठीक है, आप मुझे उस लड़के के पास ले चलिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल वो पाखंडी साईं बेनकाब हो जाएगा। हरिओम।